का समझ लेते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सर्कल के बारे में, उसमें हमने डिफाइन किया है सर्कल का जो पॉइंट्स होते हैं, जीवा क्या है, कोर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, त्रिज्या क्या है, सर्कल किसे कहते हैं, तो वाली वीडियो आप लोग देख लेंगे। यहाँ इसके आगे है, यहाँ सर्कल में आपको ये सब पॉइंट्स पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। जैसे जीवा है, कोर्ड है, आर्क है, डायमीटर है, रेडियस, सेंटर, सर्कमफेरेंस, तो यहाँ हमने डिटेल से आपको दिखा दिया है एरो साइन से, अच्छा से इसको समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ इसको वलय, वलय का अर्थ होता है जिसमें दो सर्कल होते हैं और एक छोटा सर्कल होता है, एक बड़ा सर्कल होता है, और दोनों का जो रेडियस होता है ना वो डिफर होता है। सेंटर पॉइंट सेम होता है, रिंग का मतलब सेंटर पॉइंट सेम है लेकिन उसका जो रेडियस है वो अलग अलग डायमीटर, अलग अलग डायमेंशन का है। यहाँ पे देख लेंगे ये सेक्टर है, त्रिज्या खंड है, तो यहाँ पे अगर ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे तो ये चाप हो जाएगा, ठीक है, चाप नहीं, इसको जीवा बोलेंगे, ठीक है, कॉर्ड बोलेंगे, और ये हुआ आपका वृत्तखंड सेगमेंट होता है। इसका एक फिगर यहाँ दिखा दिए हैं, ये सेमी सर्कल है ना, अर्धवृत्त है ये, अर्धवृत्त का रेडियस है, वृत्त का आधा हिस्सा, आधा कटा हुआ हिस्सा, उसको सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बोलते हैं। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, हम सबका फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लिए हैं, आप भी इसको नोट करके और याद करेंगे। इसके आगे फॉर्मूला क्या है इसको देख लेते हैं, तो ये वाली फिगर रहने देते हैं, ये फॉर्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, आप जरूर इसको याद करेंगे, समझेंगे। इसका स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिए और इसका नोट्स बनाते चलेंगे। दोस्तों इस चैनल पर ना आपको सभी टॉपिक्स के बारे में, मैथ में जो भी टॉपिक्स है या रीजनिंग है, हर तरह का वीडियो आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ फॉर्मूला है 10 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूला है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इसको एल से डिनोट करते हैं, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360, और 11 है त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या का परिमाप, और इसका फॉर्मूला बनेगा l+2r l+2r। उसके बाद त्रिज्या नंबर फॉर्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड है ना, यहाँ लिख देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और खंड हम यहाँ लिखते हैं, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा और अपन माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ 30 नंबर है, अगर सर्कल में ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये ट्रायंगल है इसी का, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ एंगल है। और 14 नंबर है, 14 नंबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और ये बनेगा रूप अंदर वृत्त का क्षेत्रफल अपन में पाई। और 15 नंबर फॉर्मूला है, एक और है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये होता है परिधि
पहली मतलब ग्रीप की क्वालिटी और बटा में 2π। दोस्तों पाई जो होता है उसका वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। और पाई का जो कॉन्सेप्ट है ये परिधि बटे व्यास से आता है, यानी परिधि सी होगा व्यास डी हुआ, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं पाई, है ना। तो आज के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ, आप इसको देखेंगे समझेंगे और इसके बाद हम सत्वल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने लाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो भी वीडियो है उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और